गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जरा टॉपिक है राजे अपना, वो हैगा एडिशन ते सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसिस। पहले दो लेक्चर मैं तुम्हें अपलोड करते थे जिदे विच अपने को मैट्रिक्स के बारे अपन ये पता लग्या कि की मैट्रिक्स होंगे, किन्नी टाइप्स होंगे ने मैट्रिक्स दियाँ, ठीक है, ये दस्या सीगा। तो इस लैक्चर के आप दसांगे कि किवें कोई दो मैट्रिक्स जिहड़े ने वो ऐड ते सबट्रैक्ट होंगे ने। तो सब तो पहली जिहड़ी कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स की ऐड होने की, वो यह है कि जे कोई मान लो दो मैट्रिसिस ने तुहाडे कोल ए ते बी है, उदों ही ऐड होणगे जे उन्हां दा ऑर्डर सेम है। कंडीशन मस्ट है कि वो दो मैट्रिक्स उदों ही प्लस होंगे ने, उदों ही सबट्रैक्ट होंगे ने जे उन्हां दा ऑर्डर जे है अपने को सेम है। जिवें कि टाइप फस्ट अपने को हैगी, इहदे विच ए मैट्रिक्स तुहानूं दित्ती हुई है, एक बी मैट्रिक्स दित्ती हुई है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने को हैगा 2 रो 3 कोलम, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हैगा 2 रो 3 कोलम। इहनूं भी आपां की कराना है, प्लस कराना। तो मैं ए लैफ्ट हैंड साइड से लिखा ए प्लस बी, इधर भी प्लस करा लिया, तो इधर भी प्लस आ लिख दिया। फिर देखा ए इस करके प्लस हो रहे हैं क्योंकि इन्हों का ऑर्डर की है सेम, तो जो तो सेम ऑर्डर का प्लस करा सकते हैं। किमें कराना है, कोरसपोंडिंग एलमेंट 2 0 ना प्लस करा दो, 3 5 ना प्लस करा दो, -5 1 के नाल, 1 -2 के नाल, 2 7 के नाल, तो -1 3 के नाल आ हो गया अपने को प्लस। सिमिलरली जे आप माइनस कराना राजे, माइनस किमें होगा अपने को, आप इन दोनों आपस में की कराना है माइनस, तो ए माइनस बी लिखे आपने, बस सिमिलरली कोरसपोंडिंग एलीमेंट की करा लेने आप बचे माइनस, जिम्मे 2 -0, 3 -5, -5 -1, तो यह थोड़े को आंसर आ गया। तो जो भी एडिशन से सबट्रैक्शन करनी है मैट्रिक्स की, उदों ही होएगी जो उन्होंने ऑर्डर की है सेम। टाइप सैकेंड आ रहा है, ये की दिता हुआ सी, ए दिता हुआ सी, तो बी दिता हुआ सी, ए आपां फाइंड करना सी 3a - 2b। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से लिखा 3a - 2b, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है। फिर ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू पुट की, बाहर तुहाडे कोल 3 आ रहा है, यह 3 सारा आपने कल्ले कल्ले एलीमेंट नाल की कराना मल्टीप्लाई है, 3 2 6, 3 - 1 3 3 9, 3 1 3, इधर 2 मल्टीप्लाई करा लिया। जो मल्टीप्लाई कराने बाद आपस देख रहे हैं की कर रहे हैं, माइनस माइनस होंगे बिल्कुल, क्योंकि ना उन्होंने ऑर्डर जोड़ा है सेम है, फिर कोरसपोंडिंग एलीमेंट आप चीक करा देने माइनस ए का आंसर आ गया। नैक्सट अपने को जी अपने को टाइप थर्ड है, ये की करना राजे, ये तुम्हें क्वेश्चन दिता हुआ फाइंड एक्स वाई जैड टी, तो अपने को इफ आ इक्वेशन दी हुई है, तुम देख रहे हो ये किमें करा। सब तो पहला देखो कि 2 है, आ 2 अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, कल एलीमेंट ना मल्टीप्लाई करा लिया। सिमिलरली ये की है 3 कल एलीमेंट ना मल्टीप्लाई करा लिया, इधर की है 3, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर, पहला मल्टीप्लाई करा लिया करो जो बाहर चीज़ हो। उस तो बाद देख रहे दोनों आपस से की हो रहे हैं प्लस, तो दोनों आपस से प्लस करा लो, करा लिया अपने कोरसपोंडिंग एलीमेंट 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0, 2t + 6, इधर अपने आप प्लस करा लिया, सॉरी आया मेरे क्या। फिर आप देख रहे हैं कि हूँ की हो सकता है, कंपेयर हो सकता है, क्योंकि आपने दसा सीगा जे अपने को मैट्रिक्स का ऑर्डर लैफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का सेम है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं एलीमेंट, कोरसपोंडिंग एलीमेंट कंपेयर कर सकते हैं। कोरसपोंडिंग एलीमेंट मतलब 2x + 3 किधर को रख लिया 9 दे, 2z - 3 किधर को रख लिया 15 दे, 2y किधर रख लिया 12 दे, 2t + 6 दे आ रख लिया। फिर अपने इन्हों रखा एक्स आ 3 इधर चला के एक्स की वैल्यू कट ली, इधर आ 3 इधर चला के जैड की वैल्यू कर ली, इधर वाई की वैल्यू कट ली, तो इधर आपने टी दी, इस तरह आपने रीअरेंजिंग करके एक्स वाई जैड की जी है वैल्यू कट ली। नैक्सट अपने को इसी की टाइप है, ये की है, ये अपने 2a - 3b + 5c कि को दिता हुआ है, 0 की एक इक्वेशन दी हुई है, बी तो सी मैट्रिक्स तुम दी हुई है, ए मैट्रिक्स तुम्हें पता नहीं, तो तुम यह समझ की करोगे, पहला जी इक्वेशन चक लिया करो, लिख लिया करो राजे लैफ्ट हैंड साइड प्रोपर, फिर की कराया करो जी चीज़ कैलकुलेट है, जी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है एक साइड रखा करो, होर सारी मैट्रिक्स दूजी साइड ले जाया करो, एलीमेंट्स दूजी साइड ले जाओ। जिम्मे ये ए कैलकुलेट करना है, तो तुम एक साइड रख लिया, 3b - 5c इधर आ गए, साइन चेंज हो गए, बी तो सी पहले तुम्हें पता से उसे पुट करती, फिर आ 3 अंदर मल्टीप्लाई, फिर ए 5 अंदर मल्टीप्लाई, फिर आपस से की हो रहे हैं माइनस, फिर दोनों आपस से की करा लिया आपने माइनस करा लिया। फिर आपने की किया रहा है, इधर लैफ्ट हैंड साइड के अपने को पिया हुआ सीगा 2a 2, ये आगे नीचे की हो गया कल कल एलीमेंट नाल डिवाइड। तो इस तो बाद राय लास्ट जी टाइप आ रही है, वह टाइप तुहाडे कोल हैगी है 4th, ये की है अपने को फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। राय ये दो इक्वेशन दित्तियां हुई हैं, ये आप कुछ एलीमीनेशन मैथड की तरह काम करा जे आप 10th क्लास के करते सके, बट बस इन्ना को फर्क है कि साइड अपने को है मैट्रिसिस है, तो आपने की करना आप देखना है कि कोफिशेंट सेम करने ने, इधर एक्स का तो इधर वाई कुछ का भी कर सकते हो। तो मैं कि किया एलीमीनेशन मैथड के सैकेंड इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई करा लिया, 2 इस करके कराया क्योंकि ये कोफिशेंट कितना 2 है, ये सारे एलीमेंट 2 मल्टीप्लाई कर, एक इक्वेशन थर्ड बन गई। फिर ना दोनों आपने की कर लिया सबट्रैक्ट करा लिया, तो सबट्रैक्ट कराया 2x - 2x कटे गए, इधर ए दोनों आपस सबट्रैक्ट करा लिया,
फिर यू आपस से सबट्रैक्ट कराए, इधर वाई की वैल्यू आ गई अपने को, वाई की वैल्यू फिर तुम फस्ट इक्वेशन की करती पुट करती करती 2x माइनस वाई इक्व टू ये फिर मैट्रिक्स इधर जाके जो प्लस, फिर प्लस कराने तो बाद एक्स आ टू से नीचे इतने आगे की हो गया डिवाइड हो गया। राजे ये अपने को टेंथ वाला ही कंसैप्ट है, बट ये की टेंथ के अपने को एवं जी स्टेटमेंट होंगी सी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 7 वाई इक्वल्स टू 8 है ना, बस उरे अपने कोल उरे मैट्रिक्स आ गया और कुछ नहीं करना। किमें उम्मीद एलीमिनेशन मैथड आने करना अपने ने, इधर कोफिशंट कंपेयर कर लो एक्स के, फिर ना दोनों आपस से सबट्रैक्ट कर लो, एक की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू ये की आजगा सबस्टीट्यूट कर दो। तो क्लीयर होया राजे अपने को अज का जो टॉपिक सगा कि आप किमें किसी मैट्रिक्स में ऐड करा सकते हैं, किमें किसी मैट्रिक्स में सबट्रैक्शन करा सकते हैं। ऐड ली तो सबट्रैक्शन ली अपने को ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है, जो ऑर्डर सेम नहीं है फिर ऐड तो सबट्रैक्ट नहीं होगा। राजे यदि असाइनमेंट तुम्हें मैं भेज दूंगा राजे, फिर असाइनमेंट सोल्व कर लियो। ओके, थैंक यू।